किसी भी देश की उन्नति और समृद्धि के लिए राजनैतिक स्थिरता तथा आंतरिक सुरक्षा अति आवश्यक है। इसके अभाव में साहित्य, संस्कृति, उद्योग तथा ललित कलाओं का ह्रास होने लगता है। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत के भिन्न भिन्न भागों पर एक लंबे समय तक अनेक छोटे बड़े राजा अपना आधिपत्य जमाए हुए थे। सभी शासकों के स्वार्थ अलग थे और उनकी कामनाएं भी अलग थी। उस समय ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान और पारस्परिक कलह का बोलबाला था। ऐसे ही समय में चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त मगध का सम्राट बना। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। वह अत्यंत उदार और करुण स्वभाव की महिला थी। इस काल का इतिहास जानने के मुख्य स्रोत स्तंभ हैं। प्रयाग स्तंभ के अनुसार समुद्रगुप्त बाल्यावस्था से ही विलक्षण प्रतिभा से संपन्न था। वह साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति था। यही कारण था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। समुद्रगुप्त का बाल्यकाल माता कुमार देवी जैसी उदार एवं कर्तव्य निष्ठ महिला के संरक्षण में व्यतीत हुआ। सत्यवादिता, न्यायप्रियता, जनहित कामना, राष्ट्रप्रेम, साहस, परोपकार तथा सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करने की शिक्षा उसे बाल्यावस्था से ही माता से मिली थी, जो आगे चलकर उसके जीवन का अंग बन गई। बचपन से ही समुद्रगुप्त की यह अभिलाषा थी कि समस्त भारत भूमि को एकता के सूत्र में बांधकर उसे एक सुदृढ़ राष्ट्र का स्वरूप प्रदान किया जाए। यही कारण है कि समुद्रगुप्त ने भारत की शक्ति को खंडित करने वाली देशी व विदेशी ताकतों को नष्ट करने का संकल्प लिया। भारत की राष्ट्रीय एकता की स्थापना हेतु समुद्रगुप्त ने विजय यात्रा प्रारंभ की। प्रयाग के अशोक स्तंभ में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का विस्तृत विवरण मिलता है। सबसे पहले उसने उत्तर भारत के राजाओं को परास्त किया और उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके साहस और पौरुष की चर्चा होने लगी। अपनी सेना का संचालन वह स्वयं करता था और एक सैनिक की भांति युद्ध में भाग लेता था। धीरे धीरे उसने पूर्व में बंगाल तक अपना राज्य फैलाया। पूर्वी तट के द्वीपों पर आक्रमण के लिए उसने नौसेना का गठन किया। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए दक्षिणी राज्यों को एक केंद्रीय शासन के अधीन लाना आवश्यक था। प्रयाग स्तंभ में इसका उल्लेख है। इस यात्रा के लिए उसे अत्यंत भयावह और बीहण जंगलों को पार करना पड़ा था। कहीं पहाड़ लांघने पड़े, कहीं नदियों पर पुल बांधने पड़े और कहीं हाथियों से ही पुल का काम लेना पड़ा। समुद्रगुप्त ने प्रथम अपनी यात्रा में मध्य प्रदेश से प्रवेश कर दक्षिण कौशल की राजनगरी श्रीप पर घेरा डाला। इसके बाद उसने बीहण जंगली प्रदेश महाकांतार पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की। पल्लव राजा को छोड़कर सभी ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पल्लव राजा विष्णुगोप की हाथियों की सेना अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन समुद्रगुप्त के आक्रमण की आंधी को वह भी नहीं रोक सकी और अंत में उसे भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। सीमांत प्रदेश के 5 तथा 9 अन्य गणराज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके पश्चात आर्यावर्त, विंध्य क्षेत्र, मध्य भारत और कलिंग से लगे जंगली प्रदेशों के 18 अटवी शासकों को भी समुद्रगुप्त ने परास्त कर दिया। कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने इन अभियानों में 3 वर्ष में 3000 मील की यात्रा की थी। समुद्रगुप्त अत्यंत दूरदर्शी शासक था। वह जानता था कि एक केंद्र से सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों की व्यवस्था करना कठिन होगा, इसलिए दक्षिण भारत के शासकों को परास्त करने के पश्चात उन्हें अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया और उनका राज्य अनुग्रह पूर्वक उन्हीं को वापस कर दिया। इस प्रकार लगभग संपूर्ण भारत पर समुद्रगुप्त का अधिकार हो गया। लगभग समस्त भारत पर विजय पताका फहराने के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस समय हिंदू राजाओं में यह प्रथा थी कि जब कोई सम्राट दिग्विजय करता था तब वह अश्वमेध यज्ञ किया करता था।
इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था और सेना उसके पीछे चलती थी। यदि कोई घोड़ा पकड़ लेता तो राजा उसे युद्ध करता था, अन्यथा जब घोड़ा विभिन्न राज्यों की सीमाओं से होकर वापस आता था तब यह यज्ञ पूर्ण माना जाता और राजा दिग्विजयी समझा जाता था। समुद्रगुप्त ने यह यज्ञ बड़ी धूमधाम से किया। इस अवसर पर दान देने के लिए उसने सोने की मोहरें विशेष रूप से ढलवाई। इन पर अश्वमेध के घोड़े की आकृति तथा अश्वमेध पराक्रम शब्द अंकित है। इस यज्ञ के अवसर पर समुद्रगुप्त को महाराजा धीराज घोषित किया गया। इस यज्ञ का मुख्य लक्ष्य समस्त भारत पर एक क्षत्र राज्य की स्थापना था। समुद्रगुप्त की शासन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि उसके लगभग 50 वर्ष के शासनकाल में किसी भी क्षेत्र में ना अशांति हुई और ना किसी ने साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया। वह प्रजा की समस्याओं के निराकरण के प्रति सदैव सचेत रहता था। उस समय उत्तर भारत में सती प्रथा का प्रचलन था। समुद्रगुप्त शासन संचालन में सद्व्यवहार, न्याय, समता और लोक कल्याण पर अधिक ध्यान देता था। उस समय खेती और व्यापार उन्नत दशा में थे। नहरों और मार्गों का जाल सा बिछा था। भारत भूमि धन धान्य से परिपूर्ण थी। गुप्त वंश के सभी राज्य हिंदू धर्म के अनुयायी थे। वे सब परम वैष्णव थे। समुद्रगुप्त अन्य धर्मों के विकास तथा उत्थान के लिए समान अवसर तथा सहायता प्रदान करता था। समुद्रगुप्त ने लंका के राजा को गया में महाबोधि संग्राम नामक विहार बनवाने की आज्ञा दी थी। इस प्रकार उसके शासनकाल में पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता थी। समुद्रगुप्त की उदारता की प्रशंसा बौद्ध भिक्षु पशुबंधु ने भी की है। हरिसेण ने प्रयाग स्तंभ में उसकी उदारता का वर्णन करते हुए लिखा है कि समुद्रगुप्त अचिंत्य पुरुष की भांति साधु के उदय और असाधु के प्रलय का कारण था। उसका कोमल हृदय भक्ति और प्रगति मात्र से वश में हो जाता था। उसने लाखों गायें दान की थी। समुद्रगुप्त न केवल शस्त्रों में ही कुशल था, वरन शास्त्रों में भी उसका लगाव था। साहित्य और संगीत में उसकी बड़ी रुचि थी। वह स्वयं एक अच्छा लेखक और कवि था। वह साहित्यकारों और कवियों का आश्रयदाता भी था। उसका मंत्री हरिसेण भी उच्च कोटि का कवि था। कहते हैं बौद्ध विद्वान वसुबंधु को भी समुद्रगुप्त का आश्रय प्राप्त था। समुद्रगुप्त वीणा बजाने में बड़ा निपुण था। प्रयाग के स्तंभ तथा सिक्कों पर अंकित वीणा से इसकी पुष्टि होती है। यह समुद्रगुप्त की विलक्षण प्रतिभा ही थी कि वह व्याघ पराक्रम की उपाधि से सुशोभित था। हरिसेण के शब्दों में वह समस्त विश्व को अपनी बाहों में बांधने वाला तथा संगीत और साहित्य में विशेष रुचि रखने वाला व्यक्ति था। समुद्रगुप्त की वीरता और साहसपूर्ण कार्यों को देखकर लोग उसकी तुलना फ्रांस के नेपोलियन से करते हैं, परंतु यदि देखा जाए तो वह नेपोलियन से सर्वथा भिन्न था। नेपोलियन के अंतिम दिन कष्ट में बीते थे। उसे युद्ध में पराजय का मुंह भी देखना पड़ा था, लेकिन समुद्रगुप्त ने सदैव विजय का ही वर्णन किया। साथ ही उसने लगभग 50 वर्ष तक सुख और शांति से शासन चलाया। प्रयाग स्तंभ से स्पष्ट है कि वह एक अखिल भारतीय साम्राज्य की कल्पना से प्रेरित था। अपनी इसी अदम्य इच्छा शक्ति और अपार पौरुष के बल पर वह एक प्रबल केंद्रीय राजसत्ता की स्थापना कर सका। सेनापति और सम्राट के रूप में तेजस्वी समुद्रगुप्त में ऐसे भी अनेक गुण थे जो शांतिपूर्ण जीवन के लिए अधिक अनुकूल थे। प्राप्त सिक्कों और अभिलेखों से हमारे समक्ष एक ऐसे वज्रदेह शक्तिशाली सम्राट की मूर्ति खड़ी होती है जिसने देश को धन धान्य से परिपूर्ण किया। तत्कालीन बौद्धिक एवं सांस्कृतिक संपन्नता ने उस नवयुग का सूत्रपात किया जिसमें 5 सदियों से छिन्न भिन्न हुई राजनीतिक राष्ट्रीय एकता पुनः स्थापित हो सकी। इसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है।